कैसे हो? मैं ठीक हूं। ये अभी अभी स्टाइल चेंज कर ले। आज जब पहले तुम लाइव आई थी दोपहर में, शाम में शाम में, उस वक्त अच्छी लग रही थी। अभी ये क्या बन के बैठी हो? अभी मैंने मुंह धोया, सर पे तेल लगाया। उस टाइम मैंने फोटोज बनानी थी ना शाम को, और क्या बोला था उस इंस्टाग्राम के टाइम? लिए मैंने फोटोज बनानी थी। वैसे कुछ डैम बना रहे होते क्या क्या क्या? किसके लिए? इंस्टाग्राम के लिए? अच्छा, इंस्टाग्राम के लिए फोटोज बनानी थी, तो तब तो मैं तैयार हुई मैं थी। फिर मैंने सोचा मैं लाइव आ जाती हूँ, लेकिन जब मैं लाइव आई तो मैं अनकंफर्टेबल थी। तैयार होके लाइव में बैठना मुश्किल है, तो फिर मैं चली गई। फिर मैंने अपने सर पे लगाया ऑयल, मुंह धोया, और अब मैं ऐसे लाइव। अच्छा, आज मैं जब तुम्हारे लाइव में आया था ना उस वक्त, हाँ तो मैं तुम्हारा लाइव देख रहा था, तो मुझे बहुत हंसी आई तुम्हारे लाइव को देख। पता है क्यों? हाँ नीचे मैं कमेंट्स पढ़ हाँ रहा था ओ माय गॉड, तुम्हारे चाहने वाले जो है ना वो कमेंट्स कर रहे थे, बहुत हंसी वाले कमेंट्स। पता है, अच्छा एक कह रहा था आयदा कि आप मेरे दिल, आप 3 साल से मेरे दिल में हो। तो अच्छा एक पता क्या कह रहा था मुझे, उसका कमेंट्स पढ़ के बहुत ही हंसी। वो कह रहा था, आयदा आप बहुत सुंदर हो, मैं क्या करूं आयदा आप बहुत सुंदर हो, मैं क्या करूं। उसे को तुम डुब्बी लगाओ समंदर में जाकर। मेरे चाहने वालों पे हंस रहे तुम्हारे चाहने वालों पे मैं हंस रहा था, क्योंकि तुम कमेंट्स का रिप्लाई भी नहीं दे रही थी। वो बेचारे इतनी एफर्ट कर रहे थे कि आयदा तुम मेरे दिल में हो, आयदा तुम शादी कब अच्छा करोगी, आयदा तुम्हारी अच्छा स्माइल कातल है, आयदा तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा ये मासूमियत इतनी कहाँ से आई, आयदा ये तुम बैठी कैसे हो, आयदा तुम आयदा आयदा हो रही थी और तुम रिप्लाई नहीं दे रही थी। यार, बस मेरे फैंस है ना, मेरे फैंस हैं। मेरे रिप्लाई नहीं भी देती वो फिर भी कमेंट्स करते हैं। अब तुम्हारे फैंस हो, तुम एक दफा रिप्लाई नहीं दोगे तो वो चले जाएंगे। नहीं, एडे भी नहीं, साढ़े भी एडे कच्चे फैन नहीं नहीं, इतने कच्चे फैन साढ़े भी नहीं यार, की हो गया। अच्छा, फिर तुम्हारी स्विमिंग कहां पर पहुंची? बंद था वाला दसो क्यों, की हो या पूर्ण की हो? वो, उसमें क्लीनिंग कर रहे थे ना तो आज बंद था। अच्छा, संडे को वो क्लीनिंग करते हैं ना पूल की। डबल डबल टैप जानवाओ, डबल टैप करो के टैप 3 मिनट है यार, रईस से नहीं हारना हमने, ये मैच हमारा पकड़ रिकॉर्ड लिया, है। हमारा रिकॉर्ड रईस आज से हम टूट बहुत कम जाएगा। हारते हैं। डबल टैप करो जानवाओ, डबल टैप करो के। डबल टैप डबल टैप डबल टैप डबल टैप, लाइव को शेयर करना है। कैमरा साफ करो, कैमरन की है यार, कैमरा मैम गंदा ने है। लिखा डबल टैप, ठीक है यार। डबल टैप करो देखो मैच जितना है। बड़ी मिसनी जी प्लेयर रही थी, जोत लेंदी मैच अच्छा ऐसा बड़ी मिशनी जी प्लेयर, चुप करके जड़ी नहीं है, बूथी जी बढ़ा के बैठी रहती है, मैच जोत लेंदी। और सुनाओ कैसा दिन गुजरा तुम्हारा? था। अभी साफ हो गया ये, मुझे लगता है कैमरे को कोई प्रॉब्लम चल रहा है मेरा। लव यू ब्रो, डबल 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 ना हो कर दे यार। जी जी शान अब्बासी की थी। एस के सरदार वेलकम, एस के सरदार, एस के सरदार माजी जीतने वाले। ज्वाइन, माजी ब्रो वेलकम, लव यू, बिग लव बिग रिस्पेक्ट माजी प्ले, मजी मजी हो गई। तुम भी थर्ड भी सारे जान दो, मजे तो प्लेस लग रहे हैं मिलने, तमीना ना भी ला लेने यार, की कर दियो तुसी जानवो। एक जेडी आ जाए मैच सब ना खेलना सा। तुम्हारा आज ईमान के साथ मैच नहीं हुआ? हुआ है ना अभी, रईस देखा उसने उस दिन क्या किया था? तुम मुझे कह रही थी कि रईस तुम ये करते हो, रईस क्या तुम हुआ ये था उस दिन? ले। नहीं, उसके बाद वो जो हुआ था वो तो मुझे पता है, लेकिन बाद में भी लोग कह रहे थे, उसके बाद में उससे अगले दिन लोग कह रहे थे कि कुछ हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है। कुछ नहीं हो, कसम से कुछ नहीं हो। अच्छा
तुम उस दिन तो बहुत मुझे समझा रही थी कि रही ये नहीं वो नहीं, अभी तुम्हें पता चल गया ना ये कैसे करती है ये, फिर ऐसा तो नहीं होता। पता था मुझे तो तब भी पता था, लेकिन इस समझाने से मेरे आजाद व्यूअर्स बढ़े थे। तुम अपने फायदे देख रही हो और सारी सी बातें, लाइफ में दूसरों का फायदा देखा जाता है क्या? ऐसा तू तो बड़ी सियाणी है, मैं सही कहता तू इंजे ही है, तू तो बड़ी नहीं, नहीं जो बंदा मासूम दिखता है। बात में तो तुमसे करनी है मुझे याद आ गया, डबल टैप करो डबल टैप करो। और बंद तुम यार, तुम मतलब अच्छी लड़की हो, एक डिसेंट सी लड़की हो, हर हर बंदे के साथ मैच ना लगाया करो कुछ। यहाँ पर जो लाइव में है ना, उनको बोलने का नहीं पता, वो बोलने से पहले सोचते नहीं है। लाइक मतलब ऐसे लोग भी हैं जो मतलब बिस्ती कर देते हैं और ऊपर से लोग वीडियो बना लेते हैं। सो तुम है। कुछ देख कर बस... मैंने एक दो बार तुम्हारे मैच मतलब देखा है मैं तुम्हारी लाइफ पे, कि वो लोग ऐसे तो अच्छा नहीं है, मतलब उनको बोलने का नहीं पता, थोड़े घटिया माइंड के भी लोग हैं ना यहाँ पर, हो जाता है सच में कभी कभी, कभी कभी रैंडमली लोग ऐड हो जाते हैं और फिर मैं देखती रहती हूँ उनको बैठ के। देखो मैं जब अभी, तुम तो लड़की हो ठीक है, तुम लड़की हो ऊपर से डिसेंट, प्रोटोकॉल अच्छा है तुम्हारा। अभी तो मैं देखो, मैं एक लड़का हूँ फिर भी मैं बहुत देख कर, कसम से मुझे पता है, कुछ लोग मुझे बहुत लोग कहते हैं कि इनके साथ मैच लगाओ, मुझे पता है कि उनके साथ मैंने अभी मैच नहीं लगाना। ऐसे जब वो मतलब उनके साथ मतलब ऐसे कोई बात किसी से कर दो, सो कोई बात कर देता है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई बात करे उससे क्या कर सकते, कुछ भी नहीं। बाहर तो कोई बात करे तो बंदा उन मारे मौको दे बूथे थे, यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता। अगला दिल चाहे गाड़ काट छवे, सो मसला बन जाता है, ऐसे ही बेइज्जती खराब हो जाती है। बिल्कुल सही कहा रही साहब ने, इस बात का हम ख्याल रखेंगे अगली दफा। नहीं नहीं तुम जो है, तुम मतलब जो तुम्हारा एक एक सर्कल बना लो कि ये लोग इनसे मैच लगाऊंगे उनसे। और जी और तुम्हें रखूं सर्कल में या नहीं देख लो, अगर मैं भी तुम्हें नहीं ठीक लगता तो मुझे भी निकाल दो। नहीं नहीं सच्ची बात है, मजाक नहीं कर रहा, सीरियस। और जी वेलकम कमांडो, कमांडो और दा वेलकम करो, सच्ची बात है। कातिल 47 थैंक यू यार। एक मैच में रईस से हार गई हूँ ठीक है, वो रईस ने मुझे बातों में लगा लिया था, लेकिन ये मैच हम नहीं हारेंगे क्योंकि अब हम प्ले करेंगे। थैंक यू जिया। इसको देखो इसके, तुम आज जितनी जैसे तुम बैठी हो, आज प्ले नहीं हो सकता। क्यों? मतलब मुझे लगता है कि तुम आई नहीं जीत सकती, मुझे फील हो रहा है ऐसा। चिमोने लव यू यार, आज मैंने जितने मैचेस जीते हैं ना, मैं भी हार भी जाऊं ना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने कितने मैच जीते हैं आज? मैं पता कितनी दफा लाई भाई, 3 दफा। लेकिन आई पता कितने कितने टाइम के लिए, एक एक घंटे के लिए। ऐसा देखो अभी आप तो तुम जो है नए तरीके से आ रही हो। और जी आई लाइव नहीं आए तो सी यार, 1 मिनट। शहबाज गुल वेलकम, शहबाज आई पॉइंट द आई पॉइंट कौन है? आयजा आपने रईस का सॉन्ग सुना है? रईस आप सिंगर हैं? मुझे शर्म आती है। सर्च करती हूँ रईस को, एक सेकेंड YouTube पे। और रुको रुको रुको, मैं तुम्हें खुद ही बना, फिर अलहदा में सुनना ना। तू देख कुकाल ना कर, अभी जो अभी मैंने जो गाने निकाले ना, अभी मतलब स्टार्ट कर रहा हूँ उनमें, मतलब अच्छी बात है यार, मैं तुम्हें शाउट आउट दूंगी। ओ इधर तुम कितनी अच्छी हो। डबल टैप डबल, मतलब गाने वाले गाने नहीं है, रैप है। मतलब मैं लिखता हूँ, मुझे लिखने का शौक है, यू नो लाइक आई एम ए पोएट राइटर, मैंने बहुत लिखे हुए हैं, बहुत बहुत ज्यादा गाने लिखे हुए हैं, रैप लिखा हुआ है, पर अभी वो मैं बना नहीं रहा क्योंकि अभी मैं बनाऊंगा छाऊंगा। बनाओ इसको, इसको टाइम दो अगर तुम्हें शौक है तो, और तुम्हें पता भी है इन चीजों का। मुझे पता हो तो सुबह दोपहर शाम मेरे गाने रिलीज हो। अच्छा तुम्हें भी शौक है, सिंगर बनना चाहती हो?
नहीं, मुझे शौक नहीं है, मैं कह रही हूँ अगर मुझे आता हो ना। अच्छा। मुझे तो कुछ भी नहीं आता ना, अगर मुझे आता हो ना तो मैं सुबह दोपहर शाम खाने बनाती रहूं बैठी। अच्छा, तुम्हें खाना बनाना आता है कुछ पकाना? हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। क्या बनाती हो? बिरयानी बनानी आती है? हाँ, मुझे बिरयानी आती है, पुलाव आता है, रोटी बनानी आती है, बिल्कुल परफेक्ट गोल रोटी, ठीक है। और मैं सालन भी बना लेती हूँ, चिकन बना लेती हूँ, मटन बना लेती हूँ। मटन भी बना रहे? मटन बना लेती हूँ, सिर्फ मैं प्रेशर कुकर जो है ना उसके पास खड़ी नहीं हो सकती, उससे मुझे एक फोबिया है कि मतलब अगर कोई चीज प्रेशर कुकर में बनानी हो ना, प्रेशर कुकर का पता है? आप प्रेशर कुकर का पता है कि मैं कहना जंगल में ही रहना। अच्छा, क्योंकि लड़कों को नहीं पता होता ना। पता है मैं परदेश होना, मैं सारे पत्थर में भी बनाना इतने। अच्छा, प्रेशर कुकर से ना मुझे थोड़ी सी वो इरिटेशन आती है, तो मुझे उससे डर लगता है। हाँ। तो बस मुझे उससे मसला है, बाकी खाना बना लेती हूँ मैं इजीली। अच्छा, मुझे कसम से ऐसा था कि तुम्हें कुछ भी बनाना नहीं आता होगा। नहीं यार, खाना मैं सारा बना लेती हूँ। तेरी खैर हो गई। नहीं यार, मैं खाना बना लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ। बड़ी उसकी वजह यह है कि तुम्हें खाने का शौक है इसलिए? नहीं, मुझे ना सीखने का शौक था। जब मैं मैट्रिक में थी ना, तो मुझे खाना जब घर में बनता था ना, तो मुझे बहुत शौक था सीखने का। तो मैंने जो मेरी बड़ी कजन है ना, उनसे मैंने सबसे पहले रोटी बनाना सीखी। तो मुझे रोटी बनाने का बहुत शौक था। अच्छा। रोटी सीखी, फिर मैंने पहली दफा बिरयानी बनाई थी, मैंने अपनी खाला से बिरयानी बनाना सीखी। फिर घर में मैंने दाल चावल बनाए एक दफ़ा सबके लिए, मतलब इस तरह से चीज़ें मुझे शौक था ना, तो वो मुझे आ गई। मतलब मैंने सीखा और मुझे आ गया। अब ऐसा है कि जब भी कभी कुछ बनाना पड़े ना, तो मैं बना लेती हूँ, क्योंकि रेसिपी सेम सेम ही होती है, सब्जियों की सेम सेम ही होती है। ये आपने सब्सक्राइब कर लिया है, अभी मैं कैसे शुक्रिया अदा करूँ? किस मुंह से करूँ? इस मुंह से चल जाएगा या कोई और मुंह लेकर आऊँ? ना करो यार, तुम्हारे शुक्रिया से क्या बनेगा। चलो, शुक्रिया के तौर पर जब अगर तुम्हारा कभी मैच लगा हुआ तो मेरे पास क्वींस पड़ी हुई है, मैं वो सारी तुम्हें मार दूंगा। अच्छा, नहीं नहीं यार, ये एहसान ना मुझे नहीं चाहिए, जिंदगी भर इसे कैसे चुकाऊंगी यार। नहीं, अभी उर्दू के ही है, उर्दू के ही है। अच्छा। कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, कैसे कहें कि तुझको भी हमसे है वास्ता कोई, तूने तो आज तक हमसे कोई गिला नहीं किया। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मॉडल पर सच्ची मैं गाना, अभी मैं गाने बनाऊंगा ना, तुम्हें मॉडल दूंगा, और जब तुम्हें मॉडल दूंगा फिर और किसी लड़की की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह। तुम मॉडल बनोगी, मैं साथ में सिंगर हो, तेरी खैर है, यकीन करो गाना पक्का हिट आएगा जी। मुझे तो तुमने वीडियो बहुत बनाई अपने अपने ही गाने पे। हाँ, और मुझे क्या बनानी? नहीं नहीं रईस, अपना सॉन्ग पोस्ट करना होता है ना टिकटॉक पे, आपका नाम और आपका सॉन्ग आपका नाम लिखा हुआ आता है। नहीं मतलब वो मुझे गाना पोस्ट करने का नहीं पता, वो भी करना है, पता नहीं कैसे होता है वो। YouTube पे ना, YouTube पे चेक करो, YouTube पे वो तुम्हें सारा ट्यूटोरियल बताएंगे वीडियो किस तरह से पोस्ट करनी है। तो वो गाना पोस्ट करते हैं, वो आपके नाम के साथ होता है। अगर कोई भी बंदा वो आपके गाने पे वीडियो बनाएगा ना, तो वहां आपका नाम आएगा कि रईस का, लाइक रईस इसका सिंगर है। तो वो ज्यादा आपके लिए फायदा होता है, मतलब जिस तरह से वो अब ये जो सिंगर्स हैं जितने भी, इसी तरह से पोस्ट करते हैं ना टिकटॉक पे। अच्छा, फिर नहीं मैं देखता हूँ, वो मैं देखता हूँ। पहले मुझे पता तो है, मैंने देखे तो है गाने ऐसे अपलोड हुए, पर मैंने नहीं, पता नहीं मैंने नहीं किया। जितने भी सिंगर्स हैं ना, वो इसी तरह से। और टिकटॉक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है फेम लेने का, मतलब वहां पे अगर तुम्हारे किसी भी रैप की किसी सॉन्ग की 2-3 लाइंस भी वायरल हो गई ना, तो मतलब अगले तुम्हारे 10 गाने वायरल है। ये एक अभी जो सिंगर है उसका नाम है शोभ, शोभ का पता होगा तुम, उसके गाने मैं देखा तुम वीडियो। वो शोभ जो है उसके पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ टिकटॉक की वजह से वो फेमस हुआ है। ऐसे ही है, बहुत लोगों ने उसको फेमस कर दिया। अच्छा, हालांकि गाने उसके अच्छे हैं, ठीक है, पर वो बिल्कुल अंडरग्राउंड सा बंदा है, उसके गाने कमली सॉन्ग है ये। आजकल टिकटॉक पे कितना चल रहा है रईस,
टिकटॉक की चीज वायरल हो जाए ना, हाँ वो सच्ची बात। बहुत अच्छी वायरल होती है।